हिंदू समाज सुधारक जाति का निर्मूलन करने में, जाति का विनाश करने में क्यों हमेशा असफल रहे? Why exactly हिंदू रिफॉर्मर, हिंदू लिबरल्स ऑलवेज फेल टू अनहाइलेट कास्ट? दोस्तों, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 19वीं सदी में राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन उठाया, आंदोलन खड़ा किया, स्वामी विवेकानंद, वो भी 19वीं सदी में कई बार उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ भाष्य किया, कई बार उन्होंने जाति के समर्थन में भी भाष्य किया। 20वीं सदी में वीर सावरकर, महात्मा गांधी, इन्होंने भी कई बार जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। पर दोस्तों, एक बात इसमें आपको नजर आएगी, ये सारे के सारे हिंदू रिफॉर्मर, हिंदू लिबरल्स इस आंदोलन को करने में फेल हो गए, जाति का विनाश करने में, जाति का निर्मूलन करने में सभी के सभी फेल हो गए। इसका सबसे प्रमुख कारण अगर आपको जानना हो तो आपको अनहाइलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ना होगा, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अनहाइलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं, अगर जाति प्रथा को मिटाना है, जाति प्रथा को खत्म करना है, जाति को खत्म करना है, तो आपको श्रुति और स्मृति को खत्म करना होगा। अगर इतिहास में हिंदू रिफॉर्मर और हिंदू लिबरल्स को आप लोग देखोगे तो आपको नजर आएगा ये सभी हिंदू रिफॉर्मर कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए है, धर्म पर इनकी गहरी आस्था है, धर्म पर इनकी गहरी श्रद्धा है। यही एक कारण है कि ये इस देश में जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन, एक ठोस आंदोलन खड़ा कर नहीं पाए। जाति प्रथा को मिटाने के लिए ये सभी के सभी असफल रहे। राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर, इन चारों रिफॉर्मर की कहीं ना कहीं धर्म पर कहीं ज्यादा आस्था थी। राजा राम मोहन रॉय, इनको जाति प्रथा तो इस देश से मिटानी थी, पर स्मृति और श्रुति को हाथ नहीं लगाना था, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना था। और बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि श्रुति और स्मृति, ये जब तक इसमें बदलाव नहीं होता, जब तक इसे हम छोड़ नहीं देते, तब तक जाति प्रथा इस देश से मिट नहीं सकती, क्योंकि जाति प्रथा को टिकाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया था। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हीं वर्ण व्यवस्था के वजह से जाति प्रथा को मजबूती मिलती है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, महात्मा गांधी, इन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था अलग है और जाति प्रथा अलग है। जाति प्रथा तो एक सामाजिक समस्या है। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी के ओपिनियन देखोगे तो उनके ओपिनियन भी कुछ इसी तरह के थे, और वीर सावरकर के ओपिनियन देखोगे तो उनके ओपिनियन भी कुछ इसी तरह के है, और आज के लिबरल हिंदू और कुछ हिंदू रिफॉर्मर वो भी कुछ इसी तरह के ओपिनियन देते हैं। हिंदू लिबरल्स और हिंदू रिफॉर्मर चातुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, और समर्थन कहते हुए कहते हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था ये तो गुण पर आधारित है, ना कि जन्म पर आधारित है। और कुछ एजुकेटेड लोग, लिटरेट लोग अभी ये एक प्रचार करने लग गए हैं कि ये तो बस डिवीजन ऑफ लेबर है, पर बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। ये सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, जैसे आपको कई लोग बता दे, अरे ब्राह्मण मतलब प्रियस्ट, क्षत्रिय वॉरियर, वैश्य मर्चेंटाइज, और शूद्र सर्वेंट, तो ये तो डिवीजन ऑफ लेबर, ये तो पूरा यूनिवर्सल ही है। बट इंडिया का जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। जब गांधी जी ने रेज किया था ये डिवीजन ऑफ लेबर है, तो बाबा साहेब ने कहा था कि ये श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि ये श्रमिकों का विभाजन है। अगर इतिहास में, इतिहास के इनके माइथोलॉजिकल ग्रंथों में भी आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा, एकलव्य, इनके पास तीर चलाने का गुण था, युद्ध का गुण था, उसके बावजूद द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने से मना किया। और ये ब्राह्मण नहीं था एकलव्य, ये आदिवासी था। राम ने शंबुक का खून क्यों किया, वध, वो लोग वध कहते हैं, क्यों किया, क्योंकि वो शूद्र था और तपश्चर्या कर रहा था, लोगों को पढ़ा रहा था, और शूद्र को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। पढ़ाने का अधिकार किसको है, तो ब्राह्मण्स को है। इसलिए राम ने शंबुक का वध किया। तो ये सारी बातें हैं। ये लोग कहते हैं कि भगवद गीता कहती है कि चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्मे विभाग, ऐसा कुछ है ना कि जन्म पर आधारित नहीं बल्कि गुण पर आधारित है। पर इतिहास में आप देखोगे तो आपको यही उदाहरण मिलेंगे कि जन्म पर ये लोग खुद को श्रेष्ठ बताते आए हैं, ना कि गुण पर। देखिए, श्रम का विभाजन और श्रमिकों का विभाजन, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। श्रम का विभाजन के लिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट में हम श्रम का विभाजन कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि नहीं, ये तो
चातुर्वर्ण व्यवस्था है तो गुण पर आधारित है, तो यह गुण कौन डिसाइड करेगा? क्या म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करेगी, या मुंबई में जो लोग रहते हैं उनका गुण बीएमसी डिसाइड करेगी? मतलब यह गुण डिसाइड कौन करेगा कि किस गुण से कौन क्या है? अब कंगना रनौत कहती है कि मैं तो शतराणी हूं, भाई फिर शूद्र कौन है? क्या संबित पात्रा शूद्र है? आप कह सकते हो संबित पात्रा शूद्र है या ब्राह्मण है, कौन है वो गुण से? तो यह गुण डिसाइड कौन करेगा? ये लोग कहते हैं चातुर्वर्ण व्यवस्था गुण पर आधारित है, चातुर्वर्ण व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। फिर वो गुण पर आधारित हो या जन्म पर आधारित हो, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर वो गुण पर आधारित है ये कहा जा रहा है, तो गुण डिसाइड कौन करेगा? म्युनिसिपैलिटी करेगी, महानगर पालिका करेगी, कौन करेगा भाई डिसाइड? तो ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये ब्राह्मण करेंगे। और ब्राह्मण कैसे पहचाना जाता है? वो तो जन्म से पहचाना जाता है। जो इंसान पूजा पाठ कर सकता है, जिसे सब विधि पता है, उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक को ब्राह्मण कहेंगे ये लोग? डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी भगवत गीता जानता है, महाभारत जानता है, रामायण को जानता है। क्या इन मुस्लिम ज्ञानी लोगों को जो हिंदू धर्म का अभ्यास अच्छे से जानते हैं, क्या उनको आप लोग ब्राह्मण कहोगे? तो ये अपने आप में सवाल है। और जो लोग कहते हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था गुण पर आधारित है, जन्म पर नहीं, उनको उनके ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। उनको परशुराम और कर्ण का उदाहरण एक पुराण में मिलता है कि कर्ण के खून से परशुराम ने पहचाना कि ये कर्ण तो क्षत्रिय है, मैं तो ब्राह्मण समझ के इसे विद्या दिया। आपके किताबों में ही सब बातें एक्सपोज की गई है, लिखा हुआ है। बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू लिबरल्स, हिंदू रिफॉर्मर, ये लोग हमेशा से असफल रहे क्योंकि इन्होंने कभी श्रुति और स्मृति के खिलाफ बात नहीं की, उसको मिटाने की कभी हिम्मत नहीं दिखाई। जबकि तथागत गौतम बुद्ध और गुरु नानक का भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिक्र करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं हिंदुओं को, लिबरल हिंदुओं को, हिंदू रिफॉर्मर को, कि हिंदुओं को धार्मिक ग्रंथों को बुद्ध और गुरु नानक की नजर से देखना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने एक अलग नजर से इन ग्रंथों को देखा और जो जो इसमें कमियां है उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन खड़ा किया, उस चीज को उन्होंने त्याग दिया, उसी तरह का त्याग हम हिंदुओं को करना चाहिए। यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नजरिया था, दृष्टिकोण था। तब जाकर इस देश में जाति प्रथा नष्ट हो सकती है। पर दुर्भाग्यवश इस देश में जितने भी हिंदू लिबरल्स, हिंदू रिफॉर्मर ने जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया, उन सभी ने हिंदू धर्म ग्रंथ के खिलाफ कभी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए ये सारे के सारे लोग अनाइलेशन ऑफ कास्ट इस मोमेंट में फेल हो गए। आज के लिबरल्स हिंदुओं का जाति प्रथा के खिलाफ का आंदोलन देखोगे तो आपको वही नजर आएगा जो इनके महापुरुषों ने इतिहास में किया था। मतलब क्या? श्रुति और स्मृति का जिक्र किया तो ये लोग डर जाते कि भाई श्रुति और स्मृति का जिक्र मत करो, जबकि श्रुति और स्मृति यही जाति प्रथा को मजबूत करती है। इसलिए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति इस ग्रंथ को जलाया था। तो ये लोग स्मृति और श्रुति के खिलाफ बात आज भी नहीं करते। आज के जो लिबरल हिंदू है वो जाति प्रथा को नष्ट करने के लिए, जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन करने की बात तो करते हैं, पर उनका आंदोलन महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, वीर सावरकर, इन्हीं के आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन हमें नजर आता है। बाबा साहेब अम्बेडकर को जब जातपत तोड़क मंडल के द्वारा सभा के लिए निमंत्रण मिला था, अध्यक्षीय भाषण करने के लिए उन्हें कहा गया था, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अध्यक्षीय भाषण उन्हें लिख कर दिया, और उस भाषण को जब जातपत तोड़क मंडल ने पढ़ा तो वो डर गए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो वेदों पर हमला किया है, स्मृति और श्रुति को हमला किया है। वो जो जातपत तोड़क मंडल के जो लोग थे उनको छोटा मोटा कार्यक्रम करने की एक आदत थी, या कहो उनको एक्सपीरियंस छोटा मोटा कार्यक्रम करने का था, हिंदू धर्म पर इतना डिटेल्स में बात करने का उनको अनुभव नहीं था। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भाषण देख के वो लोग डर गए कि बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण ये तो पूरा जड़ से हिंदू धर्म को उखेड़ दे रहा है। जिस तरह से डार्विन्स का जो सिद्धांत है, डार्विन्स के सिद्धांत ने इस्लाम और बाइबल को जड़ से उखेड़ दिया है। उसमें जो इवोल्यूशन बताया गया है, ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी दी गई है, जैसे बाइबल और कुरान इन दोनों को जड़ से उखाड़ दिया है डार्विन्स के सिद्धांत ने, तो उसी तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस स्पीच से ये जातपत तोड़क मंडल को लग रहा था ये तो पूरा हिंदू धर्म को उखेड़ फेंक रहा है, हिंदू धर्म के जो वेद है सर्वश्रेष्ठ उस पर हमला कर रहा है, श्रुति स्मृति इन पर हमला कर रहा है। तो वो लोग डर गए, और फिर वो कॉन्वर्सेशन हुआ, लेटर का करस्पॉन्डेंस हुआ,
और बाद में वो भाषण रद्द कर दिया गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी मना कर दिया कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा कि आप इस भाषण में यहाँ यहाँ चेंज कर दीजिए, ये वर्ड आप मत बोलिए, इतना इतना आप कट कर दीजिए। बाबा साहेब ने कहा यार मैं बोलूंगा तो पूरा बोलूंगा, इस भाषण का मैं कॉमा भी चेंज नहीं करूंगा, अभी आप डिसाइड कीजिए आपको मेरा भाषण रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर हिंदू समाज सुधारना करनी है तो मेरा ये भाषण जरूरी है, जो श्रुति और स्मृति में कमियां है उस कमियों पर बात करना जरूरी है। पर उस समय के जो हिंदू रिफॉर्मर थे, हिंदू लिबरल्स थे, वो इस चीजों से डरते थे कि धर्म पर हमें बात नहीं करनी है, धर्म ने दी हुई जाति प्रथा इसको तो मिटाना है पर धर्म पर बात नहीं करनी है। तो इसलिए इतिहास में हम देखते हैं कि हिंदू रिफॉर्मर, हिंदू लिबरल्स ये हमेशा असफल रहे हैं, ऑलवेज फेल टू अनहाइलेट कास्ट। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये सफलता है कि उनके वजह से हिंदू कोड बिल आया, हिंदू कोड बिल के वजह से जो स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता था स्त्रियों को अधिकार मिले, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाने लगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे उसके वजह से जाति प्रथा कहीं ना कहीं कमजोर हो गई, वो पूरी तरह से मिट तो नहीं गई, पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ही ये श्रेय देना चाहिए जिनके वजह से आज हमको स्मृति और श्रुति और जो कहीं पुराण है वो अलग तरीके से ये लोग बता रहे हैं। ये जो पोंगा पंडित है ये लोग बहुत डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं, पर इनका मकसद आज भी लोगों को फंसाना, लोगों को लूटना, लोगों को अज्ञानी रखना यही है। इसलिए ये जो कर रहे हैं ये बहुत नोबल काम कर रहे हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने बस धर्म को एक बिजनेस मॉडल के रूप में आपके सामने लाया है, आपको अज्ञानी रखने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने अलग अलग डिबेट्स जो पुरानी डिबेट्स थी वो नए तरीके से आपके सामने ला रहे हैं। ये लोग कोई रिफॉर्म का काम नहीं कर रहे, पर जो लोग रिफॉर्म का काम कर रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि वो लोग श्रुति और स्मृति के खिलाफ बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए हिंदू रिफॉर्मर ऑलवेज फेल टू अनहाइलेट कास्ट। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।